डियर स्टूडेंट्स, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज क्लास 12 के लिए सब्जेक्ट मैथमेटिक्स को पढ़ना। जैसा कि जानते हैं हम लोग एक्सरसाइज 7.6 यानी कि एक इंटीग्रेशन के चैप्टर है, उस इंटीग्रेशन के चैप्टर को हमें हम लोग एक्सरसाइज 7.6 तक के पढ़ा है। चलिए 7.6 के बाद एक्सरसाइज 7.7 का शुरुआत करते हैं। हालांकि 7.7 का शुरुआत करने से पहले हम लोग उस एक्सरसाइज का थ्योरी पढ़ेंगे। तो एक्सरसाइज 7.7 का चलिए कुछ थ्योरी में कुछ फार्मूला है, उस फार्मूले को पहले पढ़ लेते हैं। तो लिखा जाए टॉपिक सम इंपोर्टेंट टाइप ऑफ इंटीग्रेशन, सम इंपोर्टेंट टाइप ऑफ इंटीग्रेशन। कुछ इंपोर्टेंट टाइप के इंटीग्रेशन, उसके लिए कुछ फार्मूला है, आपको याद रखना चाहिए। तो पहला जो इंटीग्रेशन है रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस, ऐसे है रूट अंडर एक्स माइनस ए स्क्वायर इंटीग्रेशन। चलिए इन फार्मूला को हम लोग नोट डाउन करते हैं। तो लिखा जाए फटाफट एक्स बाई टू रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई टू लॉग मॉड एक्स प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी। दूसरा फार्मूला इंटीग्रेशन रूट अंडर दोस्त अगर एक्स स्क्वायर प्लस अगर ए स्क्वायर रहेगा और इंटू डी एक्स, तब इसका इंटीग्रेशन कैसे करना है। तो एक्स बाई टू रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई टू लॉग एक्स प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस, ये मोड में है तो मोड में लिखेगा। और तीसरा इंपोर्टेंट फार्मूला रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अगर रहेगा इंटू डीएक्स, तब इसका इंटीग्रेशन होता है एक्स बाई टू रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई टू इंटू साइन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी। दोस्त ये तीन इंपोर्टेंट फार्मूला, ठीक है। अब इस तीन इंपोर्टेंट फार्मूला का इस्तेमाल करके आप इस 7.7 एक्सरसाइज को बिल्कुल अपने तरीके से फार्मूला के बेसिस पे क्वेश्चंस को बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगा। लेकिन नोट में ना करके एक और फार्मूला लिखा जाए, ये भी बहुत काम का है। तो इसको ना नोट में करके लिखा जाए, ताकि ये फार्मूला नहीं है, ये एक तरीके का रूल है जिसका यूज करके हम लोग उसको अलग अलग तोड़ने में यूज करते हैं। जैसे कि अगर कोई द्विघात समीकरण क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी रहे, तब हम उसको अलग अलग तोड़ने के लिए एक फार्मूला यूज किए थे पिछला एक्सरसाइज 7.4 में। ए को बाहर करेंगे एक्स प्लस बी बाई टू ए का होल स्क्वायर प्लस सी बाई ए माइनस बी स्क्वायर बाई फोर ए स्क्वायर, ठीक है। इसका हम लोग यूज करेंगे। अब इसका यूज कहां करना है दोस्त, जब कभी भी द्विघात समीकरण मिले और उस द्विघात समीकरण को इस रूप में तोड़ने के बाद तब फार्मूला पे लाना है, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले फार्मूला को हम लोग समझते हैं, देन हम लोगों को क्वेश्चन समझ में आएगा, ऐसे क्वेश्चन समझ नहीं आएगा। चलिए पहले हम फार्मूला को समझते हैं कि आखिर क्या है फार्मूला। तो जो आपको थ्योरी में फार्मूला दिया गया, बस इससे ज्यादा कभी फार्मूला नहीं लगने वाला है एक्सरसाइज 7.4 में। अब हम आपको आइडिया देने वाले हैं कि आपको क्या करना है 7.4 में। 7.4 में दोस्त यही तीन इंपोर्टेंट फार्मूला, क्या क्या,
सबसे पहला कहानी तो रूट में रहना चाहिए, सभी फार्मूला किस में होना चाहिए, रूट में होना चाहिए। अगर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर रहेगा तब एक्स बाई टू रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर लिख देना है, माइनस ए स्क्वायर बाई टू लॉग एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस। लेकिन अगर प्लस रहेगा तो जहां इसमें माइनस है सब जगह क्या हो जाएगा, प्लस, ठीक है। अगर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर रहा, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, देखिए अच्छे से तो ये तीनों फार्मूला में एक्स स्क्वायर और ए स्क्वायर का यूज हुआ है, लेकिन कभी गलती से आपको सवाल द्विघात समीकरण में दे दे तो आपको पहले क्या करना है, इस फार्मूला का यूज करके अलग अलग एक्स स्क्वायर और ए स्क्वायर में तोड़ना है। हम अभी एग्जाम्पल करके क्वेश्चंस को बताएंगे ही, हालांकि सबसे पहले क्या करना है, इसका अगर द्विघात समीकरण अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहेगा तो इस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी को इस रूप में चेंज करके तब ये फार्मूला लगाएंगे। तो चलिए कुछ एग्जाम्पल्स में हम लोग क्वेश्चन करते हैं, तब आपको बातें समझ में आ जाएगी। जैसे एग्जाम्पल नंबर, एग्जाम्पल का क्वेश्चंस, एक क्वेश्चन लेते हैं एग्जाम्पल में, एग्जाम्पल फर्स्ट। अगर दोस्तों आपको क्वेश्चन कुछ इस तरीके से मिल गया कि इंटीग्रेट कर दो भाई रूट अंडर वन प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डीएक्स, तब आप कौन सा फार्मूला लगाएंगे, तो प्लस वाला ना, ये तो माइनस माइनस का फार्मूला है, लेकिन माइनस माइनस का तो है लेकिन दोनों में फर्क है, एक्स स्क्वायर इसमें पहले है और इसमें ए स्क्वायर पहले है, लेकिन प्लस वाला में हम कहीं से भी लगा सकते हैं। तो याद रखिए इसको हम लोग और कैसे लिख सकते हैं, तो इंटीग्रेशन रूट अंडर वन को लिख सकते हैं ना भाई वन का स्क्वायर प्लस एक्स को तो एक्स का स्क्वायर इंटू इंटू डीएक्स। अब यहां पे हियर ए का वैल्यू कितना है, ए का वैल्यू वन है, देख रहे ना, और एक्स का तो वैल्यू ऑलरेडी एक्स है, ठीक है, इसलिए कौन सा फार्मूला पे आएगा, फार्मूला नंबर टू पे, क्योंकि फार्मूला नंबर टू क्या कहता है, एक्स का स्क्वायर रहे और प्लस में ए का स्क्वायर रहे तो पहले लिखना है एक्स बाई टू, कुछ भी हो जाए एक्स बाई टू लगाना है लगाना है, तो हम पहले एक्स बाई टू लिख देते हैं, तो एक्स के जगह पे तो एक्स है तो इसका आंसर हो जाएगा एक्स बाई टू। फिर रूट अंडर में करना है एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर प्लस ए का वैल्यू वन है तो वन का स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई टू, ए का वैल्यू तो वन है ना तो वन का स्क्वायर कर दिया और बट्टा टू। फिर लॉग लिखना है तो लॉग लिख दिया मॉड, एक्स के जगह पे तो एक्स है एक्स रख दिया प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर प्लस वन का स्क्वायर प्लस सी। इसको जरा अच्छे से लिखें तो क्या मिलेगा, जरा दिखा देते हैं आपको, तो यहां मिलेगा दोस्त एक्स बाय टू रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वन या फिर वन प्लस एक्स स्क्वायर जैसे लिख लीजिए प्लस वन का स्क्वायर तो वन बाय टू और लॉग के मॉड में एक्स प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वन का मॉड प्लस सी, ये हो रहा हम लोगों का आंसर। तो कहने का मेरा मतलब दोस्तों यह है कि इस चैप्टर में ना आपको फार्मूला बिल्कुल याद रखना होगा क्योंकि सब फार्मूला से बनता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं आता है। तो इस तरीके से पहला एग्जाम्पल, एक और क्वेश्चन लेते हैं क्वेश्चन नंबर टू। अब इसको ध्यान दीजिएगा कि क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोगों को क्या करना होगा, एग्जाम्पल में क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल दूसरा, इस बार इंटीग्रेशन करना है हम लोगों को कुछ इस तरीके से, एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स माइनस फाइव का रूट है, एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स माइनस फाइव इंटू डीएक्स। सबसे पहले क्या करेंगे दोस्तों यहां पे कि हम लोगों को तो ये द्विघात समीकरण है, फार्मूला तो हम लोगों को इस एक्सरसाइज में तीन ही ठो है, या तो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर या तो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, नहीं तो ए स्क्वायर और माइनस एक्स स्क्वायर, यानी कि दोनों का दोनों स्क्वायर में होना चाहिए, यहां तो दोनों का दोनों स्क्वायर में है ये नहीं है, द्विघात समीकरण में दे दिया तो यहां पे लिखिएगा हियर रूट के अंदर में कौन सी है, तो एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स माइनस फाइव, यही ना है,
यहाँ पे आप a का वैल्यू कौन सी लिखते हैं, तो पढ़े हैं ना टेंथ में कि x स्क्वायर का गुणांक होता है a, तो a का वैल्यू 1, b का वैल्यू होता है x वाला तो 4, और c का वैल्यू होता है -5, तो a b c निकल जाएगा। तो हम क्या बोले कि जब भी द्विघात समीकरण दिया रहे सवाल में तो उसको x स्क्वायर और a स्क्वायर बनाने के लिए इस फॉर्मूला का प्रयोग करना है। सबसे पहले a लिखना है, तो a का वैल्यू कितना है 1, फिर ब्रैकेट देना है, x का x लिखना है, फिर प्लस b बाई 2a है तो b का वैल्यू कितना है 4 बाई 2a, तो a का वैल्यू 1, तो 2 गुने 1 कितना होता है 2 का होल स्क्वायर, प्लस करेंगे c बाई a, तो c कितना है -5 और बटा में 1, a का वैल्यू 1 माइनस b का स्क्वायर करना है तो b यहां कितना है 4, तो 4 का स्क्वायर यहां कितना हो जाएगा 16 बटा 4 a स्क्वायर, तो a स्क्वायर माने 1 का स्क्वायर 1 और उसको 4 से गुना करेंगे तो 4 एकम 4, तो यहां हो जाएगा 4 और फिर ब्रैकेट बंद। 1 से गुना करेंगे चाहे नहीं करेंगे बात तो बराबर है, इसको हटा देते हैं। यहां हो गया कौन सी, तो 2 से 2 कट रहा है, 2 दूनी के 4, तो x प्लस 2 का होल स्क्वायर और प्लस ये कितना हुआ तो -5/1 और 16/4, तो इसका एलसीएम ले लीजिए तो 1 और 4 का एलसीएम 4, अब ये हो जाएगा -20 और माइनस कितना 16 होगा ना, यहां हो जाएगा x प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस अभी दोनों हो गया माइनस में 36 और बटे में 4, यानी कि कुल मिलाकर हम कहे तो यहां क्या हो गया, यहां हो गया हम लोगों का x प्लस 2 का होल स्क्वायर और 4 9 36, तो प्लस माइनस माइनस 9। देख पा रहे होंगे कि इस द्विघात समीकरण के जगह पे हम लिख सकते हैं x प्लस 2 के होल स्क्वायर माइनस ये 9 आया, तो इसको स्क्वायर बनाने के लिए 3 का स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। हमको कैसो स्क्वायर चाहिए, तो ये 9 था, अगर मान लीजिए कि आपका सवाल रहता कि सर वहां माइनस में 5 रहता तो 5 कितना का स्क्वायर होता है, तो ये लिख देते हैं माइनस और रूट 5 का स्क्वायर लिख देते हैं क्योंकि रूट 5 का स्क्वायर 5 होता है। तो आपको देखिए यहाँ पे कोई ऐसा नंबर मिलेगा उसको हमेशा स्क्वायर के रूप में रख देना है। हमको था सवाल द्विघात समीकरण में लेकिन उसको बदल दिए दोनों को स्क्वायर के टर्म में। तो याद रखिए कि इस फार्मूला जो नोट में करके लिखे हैं इसका प्रयोग कब करना है, इसका प्रयोग तब करना है जब हमको द्विघात समीकरण में दिया रहे और हम लोगों को जरूरत होगा फार्मूला पे लाने के लिए, तो फार्मूला पे लाने के लिए इस फार्मूला का अप्लाई करना होता है। तो चलिए इस फार्मूला को अगर हम अप्लाई करेंगे तो अब किस तरीके से दिखने लगा क्वेश्चन उसको देखिए। तो सवाल हम लोगों को क्वेश्चन था ऐसे, अगेन इंटीग्रेशन, ये था हम लोगों का क्वेश्चन और यहां हो गया अब रूट में कैसा, तो रूट के अंदर द्विघात समीकरण है लेकिन अब इसी द्विघात समीकरण को दो फॉर्म में तोड़ दिए हैं, एक हो गया x प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर इंटू ds। अब ये किस फार्मूला पे आएगा, तो हम लोग अभी अभी फार्मूला पढ़े हैं कि रूट अंडर x स्क्वायर, देखिए रूट अंडर x स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर dx ये क्या होता है, तो x स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का फार्मूला होता है पहले x बाई 2 करो, तो x के जगह पे यहां क्या है x प्लस 2 और बटा 2, ठीक है x बाई 2 हो गया और फिर रूट अंडर x स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो रूट अंडर x स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का मतलब हुआ x प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर, ये हो गया। फिर क्या बोलता है कि माइनस करो ए स्क्वायर बाई 2, तो a का तो वैल्यू 3 ना है, तो 3 का स्क्वायर करेंगे 9 बटा में 2। उसके बाद क्या करना है, लॉग का इस्तेमाल करना है, लॉग x प्लस, तो यहां इसके बाजू में लिखेंगे लॉग x प्लस, तो x के जगह पे क्या है यहां पे क्या है x बाई 2 प्लस रूट अंडर x स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, यानी कि x प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, मोड बंद हो गया प्लस c,
अब ये आंसर कैसे दिया होगा बुक में वो चलिए दिखाते हैं। इसका आंसर जो दिया होगा ना इसको मिटा देते हैं, इसका आंसर कुछ इस तरीके से दिया होगा कि x प्लस टू बटा में टू रूट अंडर, देख लो अब इससे हम जब इसको ये लिख सकते हैं तो इतना से भी तो डायरेक्ट वापस ये लिख सकते हैं, यानी कि x स्क्वायर प्लस फोर एक्स माइनस फाइव। जब आप इसको a प्लस बी के होल स्क्वायर पे तोड़िएगा ना और माइनस नाइन कीजिएगा तो इतना ही आएगा, फिर माइनस ये हो गया नाइन बाई टू लॉग ब्रैकेट एक्स ब्रैकेट नहीं मॉड, ये हो गया एक्स प्लस टू और प्लस यहां रूट अंडर वही, इसको भी हम दोबारा से वही लिख सकते हैं जिसको तोड़े थे, आई मीन की एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स माइनस फाइव मॉड वन प्लस थ्री, ये हम लोगों को आंसर हो जाएगा। तो कुल मिलाकर आपको जो है समय समय के अकॉर्डिंग आपको सोचना पड़ेगा कि अगर मान लिया द्विघात समीकरण है उसको कैसे फार्मूला में लगाएंगे। तो इस तरीके से पूरा थ्योरी इसका कंप्लीट हो गया दोस्तों। अब आपको करना क्या है, एक्सरसाइज 7.7 निकालना है और क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर एकदम आप देखिए, आपको अगर 1 से कीजिएगा तो कहीं से भी कोई दिक्कत नहीं आएगा, आपको क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 5 तक को किसी भी हाल में सॉल्व करना है। अगर उसके आगे होता है तो उसके आगे भी क्वेश्चंस को ट्राई करना चाहिए आपको, ठीक है। तो दोस्तों यहां तक के आज एंड करते हैं क्लास, और अगली क्लास में 1 से लेकर 5 तक के जिसको नहीं बनेगा वो डायरेक्टली हमसे पूछ सकते हैं कि सर यहां से कैसे होगा, या फिर आप बनाकर हमें जरूर भेजेंगे। तो इसी वादे के साथ हम अलविदा होते हैं और फिर मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।